तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो? क्या करूंगा इस लंबी उम्र की जब वो उम्र तुम्हारे साथ बितानी है मुझे? क्या करूंगा? तेरी बहन ने ना मुझे सड़क पे लाकर रख दिया, सड़क पे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी बहन के सामने मेरी बिल्कुल नहीं चलती। उसे जो ठीक लगा उसने किया, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं आपके और मम्मी जी के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन मैं आपको मम्मी जी पे हाथ उठाते हुए नहीं देख सकती। माना कि मैं इस घर की छोटी हूँ और मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डैडी जी ये गलत है ना? मैं जानती हूँ कि आप अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन मम्मी जी पे हाथ उठा के आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है, औरत पे हाथ कमजोर लोग उठाते हैं। और जितना मैं आपको जानती हूँ रेड्डी जी, आप तो उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं आते ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारे साथ से सोए। तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, समझी तुम? सबसे छोटे जरूर हो, पर तुम्हें हौसला मुझसे ज्यादा है। तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा और डैड को इस मुसीबत से निकालने में उनकी मदद भी कर लेगा, पर मैं नहीं कर पाऊं, इसलिए मुझे जाना हो। डैड, डैड अपना ख्याल रखिए। चलो निकी। रुक जाइए ना। कोई कैसे अपने परिवार को छोड़ के जा सकता है, वो भी जब परिवार इतने मुश्किल समय से गुजर रहा। मेरी मॉम कैसी? अब ठीक तो है? She is fine. अच्छा हुआ है सही वक्त पर यहाँ लेकर चले आए, इसलिए ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। बाकी इन्हें आराम की ज़रूरत है। Thank you, doctor. Thank you. It's okay. तुमने अच्छा किया अनीता जी को तुम यहाँ डायरेक्टली ले आई। कुंज, तुमने अभी जैसा मुझे और यूवी को देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मिसेस ट्विंकल सरना, एक मिनट। आपने जो एक्सीडेंट की डिटेल्स दी थी उससे हमने कार का नंबर ट्रेस कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो? नाम बताइए। देखिए, नाम भी पता लग जाएगा। फिलहाल हमने गाड़ी का नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो पता लगा लिया है। वो कार सरना फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है। What? सरना फैमिली? जी हाँ,
PB04GT1425। ये गाड़ी सरना फैमिली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।